एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हाय, आई एम श्रद्धा एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और आई डी स्क्रीन पर। वहाँ पर भी मैं अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ पोस्ट कर सकती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता है कि आज मैं आप सबको लेकर जाने वाली हूँ अपने साथ फ्ली मार्केट। बर्लिन में काफ़ी सारे फ्ली मार्केट्स लगते हैं वीकेंड्स में और वो काफ़ी फेमस होते हैं। मैं एक दो बार गई हूँ बट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आज मैं फ्ली मार्केट जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो लेट्स गो। तो बस आ जाएगी हमारी 3 मिनट में, तो घर से निकलने से पहले हम हमेशा बस के टाइम चेक कर ही लेते हैं ताकि बाहर ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और यहाँ पर सारे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में डॉग्स अलाउ होते हैं क्योंकि सारे ही डॉग्स वेल ट्रेंड होते हैं। और यहाँ पर इवन लोग डॉग पालने के लिए टैक्स भी पे करते हैं। तो 7 से 8 स्टेशन है और हम पहुंच जाएंगे हमारे पहले डेस्टिनेशन में। बर्लिन में या फिर कह लीजिए कि थ्रू आउट यूरोप में बाहर खाने का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हमारे इंडिया की तरह स्ट्रीट फूड तो नहीं होते हैं, बट हाँ हर जगह कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि बड़े चेन्स नहीं होते हैं, लोकल के होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को काफ़ी पसंद है बाहर जाकर आराम से इत्मीनान से बैठकर खाना, जो कि आप साइड में देख ही रहे हैं। और ये हम पहुँच गए हमारे फ्ली मार्केट नंबर 1 में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेंट्स पे लोग जनरली यहाँ पर अपना सामान सेल करते हैं और मोस्टली वीकेंड्स पर ही ये फ्ली मार्केट्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर आपको क्वर्की होम डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी, एंटीक्स मिल जाएंगे, पुराने बुक्स मिल जाएंगे। ये वाले फ्ली मार्केट में मैं पहली बार आई हूँ, तो लेट्स सी कि कैसा होता है। जो भी फ्ली मार्केट आप जाओगे आपको ऐसे पुराने कैमरा, रील्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती है। मुझे ये डाइस के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि सारे सिंपल ही थे बट स्टिल ये सारे ऐसे रखे हुए थे कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सिर्फ 1 यूरो में थे। ये छोटे छोटे मिनिएचर्स, छोटे छोटे कार, सारे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस हो सकता है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इवन ये छोटे छोटे एनिमल्स जो कि मैंने अपने बचपन में देखा था और अब देख रही हूँ। मुझे इस वाले मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद ये छोटे छोटे मिनिएचर कार्टून्स ही अच्छे लगे हैं। इसके अलावा इस मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये फ्ली मार्केट्स ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे से एरिया पर ही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाले फ्ली मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं। सेकेंड हैंड क्लोथिंग आइटम्स थे और बाकी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाया। और वैसे हमें कुछ खरीदना भी नहीं था, तो अब हम जा रहे हैं एक दूसरे फ्ली मार्केट में, फ्ली ज़्यादा फेमस टूरिस्टिक स्पॉट में, जहाँ की फ्ली मार्केट को मैंने पहले भी देखा है और मुझे काफ़ी पसंद आया था क्योंकि वहाँ पर मोस्टली एंटीक चीज़ें ही मिलती हैं। तो अगर आपको एंटीक्स का शौक़ है तो आपको ये वाला फ्ली मार्केट काफ़ी पसंद आएगा। तो लेट्स गो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ बर्लिन में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है। हर जगह आपको बसेस और ट्राम्स मिल जाएंगे। और ये हम पहुंच गए म्यूजियम आइलैंड। यहाँ पर एंटर करने के साथ ही यहाँ पर ये अमेजिंग से बुक्स के कलेक्शन मिल गए जो कि सिर्फ 5 यूरोस के थे। बैग्स थे जो कि पुराने नहीं, नए थे। और उसके बाद देखिए ये छोटी सी एक शॉप जहाँ पर ऑफकोर्स सारी चीज़ें पुरानी ही थी, बट एंटीक्स थी। बैचेस, यहाँ पर आपको पुराने मिलिट्री के बैचेस इजीली मिल जाएंगे। डायल्स, वॉचेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ज्वेलरीज मिल जाएंगी। और ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी जहाँ पर पुराने कॉइन्स एंड नोट्स थे। तो काफ़ी लोगों को ओल्ड नोट्स और कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है। तो ये सिर्फ 1 यूरो में थे और प्राइसेस अलग अलग थे, बट ये वाली ये जो थे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। पुराने पोस्ट कार्ड्स जैसे कि हम देख सकते हैं 3 यूरोज़ के थे, बट ऑफकोर्स अगर हम ज़्यादा ख़रीदते हैं तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको जो पुराने ज़माने में रिकॉर्ड्स यूज़ होते थे वो भी मिलते हैं। और ये सोवेनियर्स, मैग्नेट्स एंड ऑल, लाइटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटर्स जो कि गैसोलीन से ऑपरेट होते थे। और ये इतने सारे स्टैम्प्स। तो बस ये सारी ही चीज़ें थी। तो अगर आपको एंटीक्स का शौक़ है तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ म्यूज़ियम आइलैंड के पास में। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग वर्लिन के फ्ली मार्केट का। जिन्हें एंटीक्स पसंद है उनके लिए एक बहुत ही अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारे एंटीक्स परचेज़ कर सकते हैं। और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, रीज़नेबल थे। 2 यूरो, 1 यूरो, 20, 25 ऐसे, एंड डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ एंटीक्स यू आर बाइंग। सो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाय।